गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग सभी, वेलकम ऑन माय वीलॉग चैनल। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं 6 बजे उठ गया था और अभी मोगली को घुमाने लेके चला हूँ। माइक लाने भूल गया था, फिर माइक लेके आया और अब चल पड़ा हूँ मोगली को घुमाने। और अभी सुबह सुबह देखो कैब पहनी हुई है, जैसे कि दुर्घटना ना बजे या फिर ठीक रहता है पहनी हुई। तो इसको जल्दी घुमा लेता हूँ और आज स्मूदी पी चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हल्की हल्की धूप बस लग पड़ेगी थोड़ी देर में और फिर जिम के लिए निकल पड़ूंगा मैं। 7:30 बजे तक निकलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी जल्दी इसको मोगली को मार लेता हूँ और फिर निकलता हूँ जिम के लिए। You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Forced like I'm Obi, you know the one Kenobi. Force fed baloney by phonies. Just wanna rule the world, call me Mr. Steel Girl. Easy gave me the referral, now he's worried about a jail. Yeah, coming out strong, I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hefner in my 80s, still I'm pushing up daisies. Don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet, don't wanna fuck with me. तो फ्रेंड्स, इधर मेरा ये एक पार्सल आ चुका है। इसमें मैंने लैपटॉप का जो बैग होता है, बैग नहीं पाउच है ये लैपटॉप के लिए। बैग भी अब तक नहीं लिया, बैग जो लिया पहले वाला वो इतना मतलब खास नहीं है, तो और बैग लेना बाद में लूँगा। पर फिलहाल मैंने ये मंगवा लिया है, एक दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद इसमें कौन सा ये बैग है छोटा जिसमें लैपटॉप डाल सकता हूँ। And you'll break them, your teeth will be faking. I don't need to be patient, man, I breed entertainment. From the streets, not the basement. Oh, see, I've been baking like your mama's casserole. She makes me, I turn on the radio. When you hear some shit, your throat all slit. If you don't post this, and I won't be missed. Hell no, I'm pissed. I'm the only rapper in this game worth shit. I go it on my own, don't need nobody's help. I do it all alone, I'ma do it by myself. All these lyrics on my own, you won't put me on the shelf. Every punch that I throw, I can send. फ्रेंड्स, अभी मेरा इधर वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और मैं चल पड़ा हूँ या तो नर्सरी में जाऊँगा पहले या तो घर पे जाऊँगा सीधा। अभी जल्दी चल पड़ता हूँ और फिर घर पे जाके जल्दी खाना खाता हूँ और देखूँगा खाने में क्या बनाया आज, तो इसलिए जल्दी निकल पड़ता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और इस पार्सल की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है ये बैग। तो इसकी जल्दी अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर थोड़ी देर में खाना खाता हूँ। वैसे इसमें तो पूरा फिट ठीक आ जा रहा है, पर थोड़ा जबरदस्ती करके आ रहा है बैग, तो ठीक है मतलब टाइम पास के लिए। तो मैं भी जल्दी खाना खा लेता हूँ वरना नर्सरी के जाने के लिए लेट हो जाऊँगा। तो अभी जल्दी खाना खाता हूँ। तो अभी मैं नर्सरी में पहुंच चुका हूं और जो वीडियो है वो सेव कर चुका हूं, उसको बस थोड़ी देर में अपलोड करने लगा दूंगा। अभी टाइम हो चुका है, ये 2:40 हो चुके हैं और बस उसको अपलोड करने लगा दूंगा। और लैपटॉप में जो पिछली वीडियो है वो सेव कर लूंगा, साथ में लैपटॉप को लेके आया हूँ और ये देखे आया हूँ। अगर ये थोड़ा सा अगर इसका जैसे
क्योंकि बहुत मुश्किल से जिप बंद हो रही है लैपटॉप की। तो अगर जिप आसानी से अगर बंद हो जाएगी कुछ टाइम में, अगर ये कुछ लूज़ हुआ थोड़ा बहुत, अगर लूज़ हो गया तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखते हैं अगर रिटर्न हो जाएगा ठीक है, नहीं तो चलाए रखना, फिर बिना जिप के लैपटॉप डालना पड़ेगा फिर इसमें। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं और ये पोहा खाने लगा हूं, 5:30 हो चुके हैं, तो इसको जल्दी फिनिश करता हूं और फिर कल कुछ सामान चाहिए तो वो सामान लेके आना है जल्दी जाके। पहले इसको जल्दी फिनिश करता हूं और फिर निकलता हूं बाज़ार सामान लेने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं ड्रामे में, हो गया थोड़ा ठीक ठाक टाइम है। और जो पहले की वीडियो बनाई थी वहाँ पे जब हम सामान लेने गए थे राशन वगैरह, तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आई थी, ये माइक ऑफ था, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, देखा नहीं माइक का, तो आवाज़ नहीं आई होगी अभी, पता नहीं आवाज़, अभी तो देखो माइक ऑन है। और बस थोड़ी देर में ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, 9:30 बजे के पहुंचे पहुंचे अभी ड्रामा का स्टार्ट होने लगा है, बहुत टाइम लगा दीजिए, प्रोसेसिंग लेट है, तो चीफ गेस्ट अभी आया थोड़ी देर पहले, अब देखो स्टार्ट होने वाला है बस थोड़ी देर में, ये देखो हो गया स्टार्ट, ये देखो पहला सीन। वो वीडियो बना रहा है अबू, मैं आए हैं तेरा भरा और ये रहे हमारे राम लक्ष्मण, सीता को ढूंढते हुए सीता का हरण होता है। ले सुग्रीव जी यहाँ पे भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पांव छूते हुए और हनुमान जी पूरी दस्तक देते हुए प्रभु श्री राम के साथ सुग्रीव जी का आज मिलन हो रहा है। और यहाँ पे ऋषि जी कमेंट्री कर रहे हैं, राकेश जी राकेश कुमार, और यहाँ पे श्री राम जी सुग्रीव जी के साथ वार्तालाप करते हुए। लगता है कि इस परिस्थितियों को देख के लगता है कि सुग्रीव जी बहुत ही मतलब भयानक स्थिति में अटके हुए हैं। हनुमान जी पूरी दस्तक देते हुए लंबी पूछ के साथ, हनुमान जी ये जो वार्तालाप हो रही है ये सुग्रीव के भैया बाली के षड्यंत्र की बात चल रही है अभी इधर, और अभी इतनी कमेंट्री बहुत है, बाकी कमेंट्री बाद में करेंगे। और ये रहे बाली जी,
बाली जी सुग्रीव जी की पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान और पूरा इन्होंने अपना दरबार सजाया हुआ है। इन्होंने सुग्रीव का सब सीन लिया, राजपाट सीन लिया, पत्नी भी सीन ली। बहुत नाइंसाफी है। आज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, लगता आज कोई पिटेगा। आज तू पिटेगा आ गया। अरे वो बाली आ गई तेरी वो, और तो उसके बाद दे रही है। देख देख मेरी मौत आई है बाहर। देख तुझे अब्बू बुला रहा है। सुग्रीव बात नहीं, तेरी मौत पास आई है, जल्दी बाहर निकल, मुझे देखना पड़ेगा। अब्बू अब्बू पता नहीं ला देखी। अरे ओ बाली कहाँ छुपा है? मेरे स्मोकर को दबा के रख, मैं अभी आता हूँ। अभी भी वक्त है, भाग जा, बाहर निकल। यहाँ पे युद्ध छिड़ता हुआ ग्वालियर और सुग्रीव में आपस में भाई टक्कर, और यहाँ पे लात घुसे चलते हुए ग्वाली हावी होता हुआ सुग्रीव पे, और सुग्रीव जी भागते हुए। बड़ी अच्छी मित्रता है भाई, आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा चल किया, फिर से पिटवा दिया मुझे। ये देखो अक्षु क्या कितना तू है, अक्षु क्या कितना वहां है को कदे ही था। मेरी तो मृत्यु हो गई। वाह प्रभु वाह, नहीं सुप्रीम ऐसा मत सोचिए। दरअसल हम दोनों भाइयों की, तुम दोनों भाइयों की सूरत ऐसी थी, मुझे अच्छा चश्मा लाना बढ़िया दिया। लेकिन माइक के बस बार ऐसा नहीं होगा। ये लो हार। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि राम जी बाली और सुग्रीव के चेहरे को पहचान नहीं पाए, और अभी जी राम जी सुग्रीव को हार पहनाते हुए निशानी देते हुए इसको मैच में कमेंट्री के लिए आप ले सकते हो। आईसीसी वर्ल्ड कप में हम करेंगे कभी कमेंट्री, अगर एंट्री मिली तो। एंट्री मिली तो, नहीं तो एंट्री से बाहर ही रहते हम तो। जिंदगी बाहर ही निकल गई है। सुग्रीव की बहुत ही खतरनाक जफी चप्पी, और ये सुग्रीव गया 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 बच गया बच गया। यहाँ पे पूरे लात गुस्से चलते हुए राम को जल्दी बुलाओ, उनको सुग्रीव फिर से गया। बोलना नहीं कुछ नहीं।
तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पे जाने लग पड़ा हूँ और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आप ये ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना जरूर, एक सेकंड लगेगा लाइक करने में। और कमेंट बॉक्स में बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट बॉक्स में बताने से मुझे पता लगेगा कि ब्लॉग कैसे बन रहे हैं ठीक है, जरूर बताना इसलिए कमेंट बॉक्स में। और अपने किसी एक दोस्त का वीडियो को शेयर करना जिससे कि वीडियो को एंगेजमेंट बढ़े और मेरे सब्सक्राइबर गेन हो ठीक है। वीडियो को इसलिए शेयर करना और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।